आरसी 200 की टोटल बॉडी कैसे क्लीन करें, चलो हम आपको आगे दिखाते हैं वीडियो में कैसे क्लीन होगी और क्या क्या चीज़ ओपन होनी, क्या क्या नहीं ओपन होनी और आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है। चलो वीडियो को आगे देखते हैं। सबसे पहले इसकी सीट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। चाबी निकाल ली, सीट ओपन हो गई है। उसके बाद हमने इसकी टैंक ओपन कर लेनी है, सिंपल, ज़्यादा नहीं खोलनी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे ओपन करनी है। सबसे पहले ये दो 10 नंबर का एक ही है और एक ही रहा, ठीक है, 4 नंबर का। ये आपने 4 ओपन करने, 4 ही चार सड़ के। टैंक का कवर हमने बाहर करना है, सिर्फ टैंक के ढक्कन के नट खोल लेने हमने, ठीक है, इतना सिंपल काम। चलो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये हमारे सारे बोल्ट ओपन हो गए, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया था 4, ठीक है। इसकी सेटिंग थोड़ी साइड करनी है, ओपन नहीं करनी, सिर्फ साइड करके, ठीक है, थोड़ी साइड करके सिर्फ निकाल लेनी है बाहर को। इसकी हमने साइड फेयरिंग नहीं ओपन करनी, ठीक है, इसको भी थोड़ा पीछे करके, ठीक है, ठीक है। ऐसे ये दो आपने लॉक बाहर कर लेना है इसका, ठीक है, इस साइड का भी, इस साइड का भी। कवर हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है, कवर बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमने फ्यूल की टैंक ओपन करनी है सिंपल तरीके से, ठीक है। सबसे पहले इसका टैंक का कैप लगा देते हैं, और सॉरी ढक्कन लगा देते हैं, इसका ढक्कन लगा के हमने इसके टैंक ओपन करते हैं। तो फ्यूल पंप बाहर करने के लिए हमने 10 नंबर का 1, 2, 3, 4, ठीक है, सेम में हो गए। 10 नंबर के बैटरी के नीचे होते हैं, 2, 12 के ये बैटरी का बोल्ट ओपन करने हैं, ठीक है। उसके बाद इसके इंजेक्टर और तो फिल्टर के नीचे के, ठीक है, ये फिल्टर है ना, आपने ये 10 नंबर का बोल्ट ओपन करना है, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ओपन होना है, ठीक है। फिल्टर के ये बोल्ट हैं, 1, 2, तीसरा उस साइड है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 बैटरी के नीचे, ठीक है। उसके बाद हमारी टैंक ओपन हो जाएगी। टोटल बॉडी क्लीन करने के लिए आपने पहले इसका बॉक्स उतार लेते हैं हम, ठीक है। 10 नंबर का एक ये बोल्ट है, 10 नंबर के हैं, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ओपन होगा, ठीक है। आपने ये 10 नंबर का बोल्ट ओपन कर लेना, ठीक है, ये फर्स्ट। इस ये साइड का भी ओपन कर लेते हैं, ये सेकंड, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको पाइप दिख रही होगी, ठीक है, हॉस पाइप, ये भी आपने ओपन करनी है। सबसे पहले आपने इसकी हॉस पाइप निकाल लेनी है, पाइप निकालने के बाद इसका ये लॉक है, ठीक है, इसको थोड़ा पीछे करके इसको भी हमने ऐसे निकाल लेना है, ठीक है, ये ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक पाइप ये रही इसकी हॉस पाइप, इसका बॉक्स, ठीक है, इसका बॉक्स ओपन करने के बाद हमने इसकी थ्रॉटल बॉडी ओपन करनी है, ठीक है। इसको कहीं पे साइड में रख देते हैं, इसकी थ्रॉटल बॉडी ओपन करनी है, ठीक है। ये फोर्थ प्लग है हमारा, ठीक है, आपको इसका लॉक बिल्कुल सामने ही होएगा, दिख रहा। ये आपने ले ली है 3 नंबर की हल्की, ये रहा, है ना, ये 3 नंबर के हल्की का बोल्ट आपने ये करना है थोड़ा सा लूज। उसके बाद अपनी थ्रॉटल बॉडी, ठीक है, आराम से बाहर आ जाएगी हमारी थ्रॉटल बॉडी, है ठीक है। अब इसकी रेस की वायर ओपन कर लेते हैं। ये थ्रॉटल बॉडी है, मैंने सिर्फ इसके 2 स्टार एलकी के बोल्ट ओपन किए थे, ठीक है। रेस की वायर इसकी यहाँ से ओपन होगी, देख सकते हो अब कितना ही गंदा है ये, ठीक है, इतना इतना ज़्यादा गंदा है। इसको हम क्लीन भी पेट्रोल से करेंगे, ठीक है। ये देखो कितना गंदा है, उसे तो कितना बुरा हाल है इसका, ठीक है। चलो हम इसको क्लीन करते हैं। थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने के लिए आपने नॉर्मल पेट्रोल लेना, उससे पहले आपने इसका इंजेक्टर निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे तो पहले इतनी सारी मिट्टी है, ठीक है, कितना कचरा है, आई होप कि यहाँ पर गंदगी जा सकती है, ठीक है। इससे पहले आपने इंजेक्टर ओपन कर लेना, स्टार एल की लगा के आप इसको ओपन कर लें, ठीक है। ये हमारा बोल्ट हमने प्यार से निकाल लेना, ठीक है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना, ठीक है। ये इसकी ओरिंग है, काफ़ी गंदी है, इसको हमने ऑयल लगा के फिट करनी, ठीक है। इसको अपने कहीं पे सेफ जगह पर रखना, ये गंदा ना हो,
इस पर आपने अपनी फिंगर तक नहीं टच करनी, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर रख दिया एकदम, अब इसको क्लीन कर लेते हैं नॉर्मल पेट्रोल से, ठीक है। ये हमारा पेट्रोल है नॉर्मल, क्लीन ब्रश लेना है एक, ठीक है, डैमेज नहीं करना इसको कोई भी पार्ट आपने। ये पेट्रोल है, ठीक है, आपने इसी तरीके से इसको क्लीन कर लेना है, ठीक है। आपने पेट्रोल लेके एकदम क्लीन कर लेना है इसको अच्छे से। इस साइड से भी कर लेते हैं, ठीक है, पेट्रोल डाल लेते हैं। एकदम अच्छे से क्लीन कर लेना इसको, ठीक है। देख सकते हैं कैसे साफ हो गया क्लीन, थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं रहने देनी। एकदम अच्छे से क्लीन कर लेना, मैं इस पर थोड़ी हवा मार के आपको फिर दिखाता हूँ, ठीक है। टोटल बॉडी देख सकते हो कैसे क्लीन हो चुकी है एकदम, ठीक है, एकदम ब्रांड न्यू की जैसी हो गई है। आपने ऐसे ही क्लीन करनी है अंदर और बाहर से, ठीक है, एकदम अच्छे से क्लीन कर लेनी है, ठीक है। और आपने इसका फ्यूल पंप कोई भी साफ कपड़ा लेके, ठीक है, ये जो आपको रबड़ वाला हिस्सा दिख रहा है हमने सिर्फ इसके ऊपर ऊपर से क्लीन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे कुछ टच तक नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो मिट्टी आ सकती है। आपने इस तरीके से इसको क्लीन कर लेना है, ठीक है, एकदम अच्छे से क्लीन कर लेना, ठीक है। और इसकी पाइप को किसी भी कपड़े की हेल्प से क्लीन कर लेंगे, ठीक है, ऐसे हो गया। अब जब हमने इसको फिट करना है तो इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना, ठीक है, उसके बाद फिट करना है। थोड़ा देता है साइड में, ठीक है, कुछ भी है या अपने ओरिंग पे हल्का हल्का ऑयल लगा लेना, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा, ठीक है। ये ऑयल लगाने के बाद हमने इसका फ्यूल पंप जैसे निकाला है वैसे ही फिट कर देना, ठीक है। पहले इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, या अपने छोटी फिंगर डाल के इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ठीक है। ये क्लीन हो गया, ठीक है। अब इसका फ्यूल पंप ऐसे लगाना है हमने, ठीक है, प्यार से ये ऐसे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ये बोल्ट लगा लेना है हमने, ठीक है, ठीक है, इसको टाइट कर लेते हैं, अब इसको फिट करते हैं, ठीक है। हमारा फ्यूल पंप फिट हो गया, ठीक है, अब इसको फिट कर लेते हैं बाइक में। फिल्टर का बॉक्स कैसे क्लीन करें, ठीक है, आपने ना पेट्रोल यूज़ करना, नॉर्मल पानी से इसको आपने क्लीन कर देना, ठीक है, अच्छे से प्रेशर से, ठीक है, और कुछ नहीं करना, एकदम क्लीन हो जाएगा। मैं आपको इसका ही फ़र्क दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फिल्टर का बॉक्स करो, ये फिल्टर का बॉक्स चेक करो किस तरह से क्लीन है, ठीक है, ना पेट्रोल से क्लीन किया ना कोई और चीज़ से, सिर्फ पानी से क्लीन किया है, पानी और साबुन से, ठीक है। आपने इस तरह से क्लीन कर लेना अंदर से भी और बाहर से भी, प्रेशर मार देना उसके बाद हवा का, ठीक है। चलो अब इसको फिट करते हैं, अब इसकी थ्रॉटल बॉडी फिट कर लेते हैं, ठीक है। थ्रॉटल बॉडी लगाने से पहले
हम इसकी रेस की वायर लगा लेते हैं, ठीक है। टोटल बॉडी हम इसकी अब फिट कर लेते हैं, ठीक है। पहले अच्छे से पूरा अंदर कर लेना, ठीक है। ये हमारी थ्रॉटल बॉडी फिट हो गई, ठीक है। अब इस हल्की लेके 3 नंबर की नीचे से इसका बोल्ट टाइट कर देना, ठीक है। वो आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा टाइट। ये हल्की नीचे से टाइट कर लेते हैं, ठीक है। इसका ये हमारा बोल्ट हो गया टाइट, ठीक है। अब इसका फिल्टर का बॉक्स फिट कर लेते हैं। फिल्टर का बॉक्स फिट करने से पहले इसके सारे क्लंप लगा लेने, वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे 3 प्लग थे, हमारे 3 प्लग लग गए, ठीक है। अब हम इसका फिल्टर का बॉक्स फिट करते हैं, ठीक है। ये फिल्टर के बॉक्स की है पाइप, थोड़ा सा पीछे करके इसका बॉक्स फिट करते हैं। ये फिल्टर का बॉक्स का मैंने आपको था ना दिखाया, बिल्कुल स्ट्रेट में यहाँ पे 10 नंबर का एक नट लगता है, ठीक है। दिख रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे 10 नंबर का आपने बोल्ट लगा लेना, चाबी से या किसी से अपने टाइट कर लेना है, ठीक है। 10 नंबर का फिल्टर का बॉक्स कंप्लीट हो गया। एक ये होता है, 2 इसके साइड के होते हैं और क्लंप होता है, ठीक है। ये 4 ओपन करते हैं फिल्टर का बॉक्स ओपन, ठीक है। अब इसकी फ्यूल पंप की पाइप लगा लेते हैं, ठीक है। इसका लॉक फिट हो गया, ठीक है। अब हमने इसकी अब इसका प्लग लगा लेना, ठीक है, ठीक है। ये हमारा प्लग फिट हो गया। अब हम इसकी टैंक फिट करते हैं, ठीक है। तो पहले 12 नंबर का इस साइड का लगा लेते हैं। ठीक है, टैंक तो और फिट कर लेते हैं क्या वाले सबसे पहले, ठीक है। ठीक है, ये नीचे लॉक लग गया। अब इसका टैंक कवर फिट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका टैंक का ढक्कन खोल लेते हैं। अब टैंक कवर लगा लेते हैं। ये इसका टैंक कवर, ठीक है। 1 लॉक 2 और 3, ठीक है। 10 नंबर का होता है यहाँ पे, 10 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर के लिए का बोल, ठीक है। आप अपने ऐसे रखना पहले, ठीक है। ठीक है, लॉक लगा लेना। का टैंक का ढक्कन लग गया, ठीक है। अब इसके साइड के नट लगा लेते हैं, 2 इस साइड, 1 आगे 1 पीछे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देते रहेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।